लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें फेज में देश भर के 8 राज्यों के 39 सीटों पर वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और इस चरण के लिए 20 मई को वोट डाले जाएंगे। इस फेज में 144 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। इस चरण में यूपी की अवध और बुंदेलखंड के इलाकों की सीटों पर वोटिंग होगी। इस चरण में राहुल गांधी और राजनाथ सिंह जैसे दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी है। तो आज बात करेंगे यूपी के उन 14 सीटों के बारे में जहां पांचवें चरण का चुनाव होगा, साथ ही साथ वहां के समीकरण क्या कहते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। पहली सीट है मोहनलालगंज लोकसभा सीट और ये सीट यूपी की राजधानी लखनऊ जिले में है। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की हुई है और बीजेपी ने मौजूदा सांसद कौशल किशोर को मैदान में उतारा है। कौशल किशोर के पास जीत की हैट्रिक बनाने का इस बार मौका है। वहीं समाजवादी पार्टी ने आर के चौधरी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान को मैदान में उतारा है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने साल 1998 से लेकर लगातार 4 बार जीत दर्ज की है। दूसरी सीट है लखनऊ लोकसभा सीट। लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मैदान में उतारा है। राजनाथ सिंह के पास जीत की हैट्रिक लगाने का ये मौका है, जबकि INDIA की तरफ से समाजवादी पार्टी ने रविदास महोत्रा को उम्मीदवार बनाया है। बहुजन समाज पार्टी ने सरकार अली को उम्मीदवार बनाया और इस सीट से विजय लक्ष्मी पंडित से लेकर के पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी तक सांसद रहे हैं। तीसरी सीट है रायबरेली लोकसभा सीट। रायबरेली से कांग्रेस ने राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने इस सीट से दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में दिनेश प्रताप सिंह को सोनिया गांधी ने हरा दिया था, लेकिन इस बार फिर बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया। उधर बहुजन समाज पार्टी ने ठाकुर प्रसाद यादव को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि रायबरेली सीट जो है बहुत ही ज्यादा हॉट सीट रही है, चर्चा में लगातार रही है। और उसके बाद अगली सीट है अमेठी सीट। अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी को उम्मीदवार बनाया। देखिए, ये फिर से जो सीट है ये हॉट सीट है, जबकि कांग्रेस की अगर बात करें तो इस बार उम्मीदवार बदल दिया गया है। कांग्रेस ने KL शर्मा को मैदान में उतारा है। पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर राहुल गांधी चुनाव लड़े थे। और उधर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो उन्होंने रवि प्रकाश मौर्य को यहां से उम्मीदवार बनाया। पांचवी सीट है झांसी लोकसभा सीट। झांसी सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद अनुराग शर्मा को मैदान में उतारा है, जबकि INDIA की तरफ से कांग्रेस ने प्रदीप जैन आदित्य को उम्मीदवार बनाया है। बहुजन समाज पार्टी ने सीट से एडवोकेट राकेश कुशवाहा को मैदान में उतारा है। छठी सीट है जालौन लोकसभा सीट। इस सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद भानु प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है और भानु प्रताप सिंह के पास जीत की हैट्रिक लगाने का इस बार मौका है, जबकि समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो उन्होंने नारायण दास अहिरवार को उम्मीदवार बनाया है। सातवीं सीट है हमीरपुर लोकसभा सीट और हमीरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद पुष्पेंद्र चंदेल को उम्मीदवार बनाया है। पुष्पेंद्र पिछले 10 साल से यहां पर सांसद हैं और इस सीट पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने अजेंद्र सिंह राजपूत को उम्मीदवार बनाया है। उधर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो निर्दोष दीक्षित को मैदान में उतारा गया है। आठवीं सीट है बांदा लोकसभा सीट। बांदा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद RK सिंह पटेल को ही उम्मीदवार बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने शिवशंकर सिंह पटेल को मैदान में उतारा है। उधर BSP ने मयंक द्विवेदी को उम्मीदवार उतारा है। नौवीं सीट है फतेहपुर लोकसभा सीट। बीजेपी ने मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति को फतेहपुर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। निरंजन ज्योति के पास भी हैट्रिक लगाने का इस बार मौका है। INDIA गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने नरेश उत्तम पटेल को मैदान में उतारा है। BSP ने डॉक्टर मनीष सचान पर इस बार भरोसा जताया है। दसवीं सीट है कौशाम्बी लोकसभा सीट। यूपी के कौशाम्बी लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद विनोद सोनकर को उम्मीदवार बनाया है। विनोद सोनकर पिछले 10 साल से यहां पर सांसद है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो पुष्पेंद्र सरोज को मैदान में उतारा गया है, जबकि BSP यानी बहुजन समाज पार्टी ने शुभ नारायण को अपना उम्मीदवार बनाया है। 11वीं सीट है बाराबंकी लोकसभा सीट। बाराबंकी लोकसभा सीट से अनुसूचित जाति के लिए ये सीट रिजर्व है। इस सीट पर बीजेपी का पिछले 10 साल से कब्जा रहा है। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार अपने मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया है। बीजेपी ने उपेंद्र सिंह रावत की जगह राजरानी रावत को मैदान में उतारा है, जबकि INDIA की तरफ से कांग्रेस ने तनुज पुनिया को उम्मीदवार बनाया है। BSP ने शिव कुमार दोहरे को मैदान में उतारा है। 12वीं सीट फैजाबाद लोकसभा सीट। फैजाबाद लोकसभा सीट पर पिछले
10 साल से बीजेपी का ही कब्जा है। बीजेपी के लल्लू सिंह सांसद है, इस बार भी बीजेपी ने लल्लू सिंह पर ही दाव लगाया है। जबकि INDIA की तरफ से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया। BSP ने सीट से ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारा है। पार्टी ने सचिनानंद पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है। 13वीं सीट है कैसरगंज लोकसभा सीट। कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया है और पार्टी ने उनके बेटे करण भूषण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। ब्रजभूषण शरण सिंह पिछले 10 साल से सांसद हैं। इससे पहले साल 1996 से साल 2009 तक 5 बार समाजवादी पार्टी के बेनी प्रसाद वर्मा यहां से सांसद रहे। समाजवादी पार्टी ने सीट से राम भगत मिश्रा और BSP ने नरेंद्र पांडे को मैदान में उतारा। देखिए ये जो सीट है ये भी एक हॉट सीट है। आखिरी और 14वीं सीट है गोंडा लोकसभा सीट। गोंडा लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद कीर्ति वर्धन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। कीर्ति वर्धन सिंह पिछले 10 साल से यहां से सांसद हैं और समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो उन्होंने श्रेया वर्मा को मैदान में उतारा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो सौरभ को BSP ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ये यूपी के वो 14 लोकसभा सीट हैं जहां पर पांचवें चरण में मतदान होना है। 20 तारीख को मतदान होगा और बड़े बड़े दिग्गज इस बार इस चरण में चुनाव में उतरेंगे, मैदान में उतरेंगे। बड़े बड़े दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा है इस बार दांव पे लगी है। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।